हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हेल्दी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी जो रेडी हो जाएगी सिर्फ फाइव मिनट्स में और ये रेसिपी आपको प्रोवाइड करेगी 500 कैलोरीज़ विद 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए स्पेशली उस वक्त जब आपके पास ब्रेकफास्ट बनाने का बिल्कुल भी टाइम ना हो तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं लेकर एक सॉस पैन इसमें ऐड कर देंगे हम टू हंड्रेड मिल्क जो होता है अराउंड वन कप और मिल्क आप अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हैं ये हमारा मिल्क ऑलरेडी बॉयल था तो हमने दोबारा से इसे बॉयल नहीं किया अब हम इसमें ऐड कर देंगे थर्टी ग्राम्स ओट्स ये इंस्टेंट ओट्स मैं यूज़ कर रही हूँ रोल्ड ओट्स यूज़ नहीं किया है क्योंकि उसे कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है अब इसे अच्छे से स्टर करते रहेंगे ताकि नीचे से चले ना आप चाहे तो इसमें एक टीस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पर्सनली शुगर वाला ओट्स खाना पसंद नहीं है तो स्वीट टेस्ट के लिए मैं इसमें एक शुगर सब्सटीट्यूट ऐड करूँगी वो मैं आपको एंड में बताती हूँ क्या है अब आप देख सकते हैं कि हमारा ओट्स अच्छे से पकना शुरू हो चुका है तो हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा थिक हो चुका है तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क या फिर पानी भी ऐड कर सकते हैं तीन से चार मिनट्स हो चुके हैं और हमारा ओट्स अच्छे से पक कर रेडी हो चुका है इसकी साइड्स की क्रीम को अच्छे से छुड़ा लेंगे और अब चलिए फटाफट से इसे सर्व करते हैं अब हमने लेना है यहाँ पर एक बोल और हम इसमें ओट्स को निकालेंगे आप इसकी फाइनल लुक भी चेक कर लीजिए बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये रेडी हो गया है अब हमें इसे अच्छे से गार्निश कर लेना है आप अपने चॉइस की फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं मैंने यहाँ पर हाफ एप्पल फाइनली चॉप करके ऐड कर दिया और साथ ही एक टीस्पून मैं इसमें पम्पिन सीड्स ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा एंटी का सोर्स है एक टी सनफ्लावर सीड्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे साथ ही अब मैं इसमें एक खजूर फाइनली चॉप करके ऐड कर देना है और एक टीस्पून स्पून डेसिकेटेड कोकोनट मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ ये ऑप्शनल है शुगर की जगह इस मैं इसमें ऐड करूँगी एक टीस्पून हनी जो कि एक बहुत ही अच्छा सब्सिट्यूट है प्रोसेस्ड शुगर का और एक बहुत ही अच्छा प्रीबायोटिक सोर्स है जो हमें एक अच्छी गट हेल्थ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है तो तैयार है हमारी फाइव मिनट्स ब्रेकफास्ट ओट्स रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी और यह है और अगर आपको ओट्स खाना पसंद नहीं है तो ये रेसिपी ट्राई कीजिए डेफिनेटली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी मुझे कमेंट्स में बताया आपको रेसिपी कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में